हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। आज डेली करंट अफेयर्स देखेंगे 20 तारीख का। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, ये जो 20 तारीख आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या चल रहा है? ये क्विज चल रहा है, राइट? और इस ये क्विज कहाँ से लाया गया है, मैं क्या करता हूँ कि डेली का करंट अफेयर्स के नोट्स, राइट, व्हाट इज दैट, नोट्स डालता हूँ कहाँ पे, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे बेटर यही होता है कि अगर मान लो 20 तारीख ये है, तो आप शाम को 4 बजे आता है नोट्स, तो नोट्स पढ़ लो, रात को मेरे वीडियोस देख सकते हो, यानी सवेरे उठते साथ उसके अगले दिन 6 बजे आपको नोट्स मिल जाएगा, तो आपका रिविजन हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे SBI के मेन्स कैंप को खरीदना चाहते हो, एक मेंस का कैंप हमने लगाया है टोटली बेस्ड ऑन मेंस लेवल, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, सब कुछ के टारगेट्स आपको मिलेंगे, मैथ्स का DI सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, सब कुछ। ये 11 डेज का प्रोग्राम होगा और ये टोटल जो क्लासेस होगा वो वेबसाइट में लिया जाएगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। देखिए दोस्तों, ये मार्च 20 होगा और मार्च 20 में फ्रॉग डे भी मनाया जाता है ना? और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम क्या था इस बार? हैप्पीनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। हु हैज बीन इंडक्टेड एज एन अंपायर इनटू द इंटरनेशनल पैनल ऑफ ICC डेवलपमेंट अंपायर्स, यानी ICC डेवलपमेंट अंपायर्स के पैनल में किसको अंपायर चुना गया है? समझ में आया आप सभी को? ये अंपायर का पैनल है और इसी पैनल का एक अंपायर किसको बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वृंदा राठी, राइट। ICC आपको पता होना चाहिए कि चेयरमैन जो है शशांक मनोहर जी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मनु सोनी और हेडक्वार्टर कहां पे? दुबई में है। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू कन्वीन वर्चुअल G20 लीडर्स समिट टू एड्रेस दी कोरोना वायरस पैंडेमिक, है ना? तो ये जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के जो प्राइम मिनिस्टर और जो किंग है वो है सलमान बिन अल सऊद, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। वर्ल्ड फ्रॉग डे, वही मैंने आपको बताया था, आज ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2009 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और फ्रॉग जो होता है दोस्तों, एक टेललेस एम्फीबियन होता है। द यूनियन टेरिटोरी और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ डैश, कौन से राज्य के सरकार ने 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर रेसिडेंट्स इन कन्वर्जेंस विथ आयुष्मान भारत शुरू किया है? ये जो राज्य है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू है, और जम्मू कश्मीर के दो कैपिटल है, एक तो एक श्रीनगर है, दूसरा जम्मू है। जम्मू विंटर का कैपिटल है और श्रीनगर समर कैपिटल है। यानी ये क्वेश्चन में ये था कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देगा, किसके साथ मिलकर? आयुष्मान भारत, PMJAY। The government of which state has abolished कोटा? ध्यान दीजिएगा, कोटा को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। कहां पे? इन प्रोमोशन, प्रोमोशन में फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और गवर्नर जो हैं बेबी रानी मौर्या हैं, कैपिटल देहरादून है, MS धोनी यहां से बिलोंग करते हैं, और बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, ओरिजिनली ही बिलोंग्स टू उत्तराखंड। Which state has launched an official chatbot to create awareness about coronavirus among its citizens? Right? एक chatbot यानी helping desk वाला, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये है आपका गोवा स्टेट। गोवा का जो कैपिटल है पानाजी है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है, और गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक जी है। हुए सबमिटेड हर रेजिग्नेशन। देखो बात क्या है कि अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं, ये CEO बन चुके हैं सेल्स फोर्स इंडिया के, और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। कहां का? एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिसिल,
है ना। तो ये पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ क्रिसिल थे, इसको रिजाइन करके ये अब सीईओ बन गए हैं सेल्स फोर्स इंडिया के, तो अरुंधति भट्टाचार्य। तो सीईओ ऑफ क्रिसिल कौन है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा अभी अभी, है आशु सुयाश। वाइट स्पेरो डे भी आज ही मनाया जाता है ना। तो आज के दिन के तीन तीन महत्वपूर्ण दिन है, एक तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, एक तो वर्ल्ड फ्रॉग डे है, एक तो वर्ल्ड स्पैरो डे है, राइट। ये तीन तीन दिन आज मनाया जाता है। तो इसका जो थीम है, आई लव स्पैरोज, मैं स्पैरोज से प्यार करता हूं। नेम द व्हाट्सएप चैटबॉट। देखो आज हुआ क्या कि आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप खोला, तो वहां पे ग्रुप में एक इनवाइट लिंक आया, तो मैंने जैसे ही वहां पे हाई करके मैसेज किया तो टोटली मुझे डिटेल्स मिल गया उस कोरोना वायरस के बारे में। तो ये एक चैटबॉट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको किया है। तो अगर आपको कुछ जानकारी लेना है कोरोना वायरस के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने इसकी मतलब स्टार्ट किया है दोस्तों। ये जो है माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क, राइट। विच टेनिस टूर्नामेंट हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल सितंबर 2020। सितंबर 2020 तक टेनिस टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया है। ये कौन सा टूर्नामेंट है? ये जो टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन। Which company has launched a digital payment solution for business allowing them to collect and disburse UPI payment? देखो इससे पहले ना कैश फ्री के पास नहीं था ये ऑप्शन, है ना। तो अब आप UPI से कर सकते हैं ये पेमेंट, इससे लोन भी ले सकते हैं आप। तो कैश फ्री जो है 2015 में बना था, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसका जो फाउंडर है आकाश सिन्हा जी है। Which country has suspended all types of labor permits? लेबर परमिट्स पूरा सस्पेंड कर दिया है फॉर ड्राइवर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स इफेक्टिव फ्रॉम 19 मार्च 2020। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका कैपिटल है अबू धाबी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सऊदी अरेबिया एंड यूएई से। सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाद है और यूएई का कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम है। प्रेसिडेंट जो है अभी खलीफा बिन जायद अल नाहियान, राइट। इंडिया को सार्क नेशंस है ना से मेटेरियल असिस्टेंस मिला है, जैसे कि परचेज ऑफ ग्लोब्स हो या सैनिटाइजर्स हो, राइट। ये परचेज करने के लिए कितने मेटेरियल्स मिले हैं, राइट, नॉट पैसा, मेटेरियल कितना मिला है? 1 मिलियन, राइट, 1 मिलियन मेटेरियल मिला है। और सार्क नेशन आपको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, बेग पार्डन, कॉरपोरेशन। और इसमें जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। 8 दिसंबर 1985 में बना, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, सॉरी ये ढाका बांग्लादेश में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में है। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो एलिसा वी राकन। Which state union territory has constituted a commission for welfare of socially educationally backward classes? एक commission बना है दोस्तों, ये बना है जम्मू कश्मीर में। तो you can go with these bullet points। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका भी PDF मैं आपको Telegram चैनल में अवेलेबल कर दूंगा, स्टूडेंट फरमाइश YouTube पे। फीच ने अभी इंडिया का GDP forecast जो है इसको कितना बना दिया है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। जो पहले क्लास में लिया था S&P, मैंने आपको बोला था, राइट, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। ये देखो ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, फिच भी एक रेटिंग एजेंसी है। S&P ने इंडिया का फोरकास्ट जो है 5.2% किया है और फिच ने इंडिया का फोरकास्ट 5.1% किया। तो ऑप्शन ई के साथ हम जाएंगे, राइट, 5.1% इज। और इसका जो CEO है दोस्तों पॉल टेलर है, राइट। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक इंश्योरेंस लॉन्च किया है कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए, ये कौन सा है? ICICI लोम्बार्ड। एक और बैंक है जो अब इंश्योरेंस दे रहा है कोरोना वायरस के पीड़ित लोगों को, कौन सा बैंक है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ये मैंने पिछले क्लास में 18th वाले करंट अफेयर्स के वीडियोज में बताया है। और ICICI लोम्बार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और CEO जो है भरगाव दास गुप्ता जी है। How much has the government approved so far under the Pradhan Mantri Awas Yojana? Pradhan Mantri Awas Yojana में, Awas Yojana basically 2022 तक सभी लोगों को
घर मिलने की टारगेट रखा गया है। तो गवर्नमेंट ने अब तक कितना पैसा मतलब एलोकेट किया है वो है 6.16 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया है। और इससे क्या होगा कि 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेस बन जाएंगे, बनके तैयार हो जाएंगे 31 मार्च 2022 तक। ये जो टारगेट शुरू किया गया था 2015 में शुरू किया गया था, खुद प्रधानमंत्री जी इसको लॉन्च किए थे। और ये जो आता है आवास योजना है तो ये बिल्कुल आएगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में, और इसको जो हेड कर रहे वो है हरदीप सिंह पुरी जी। बैंक ऑफ अमेरिका ने अभी S&P के साथ ज्वाइन किया है, और बैंक ऑफ अमेरिका ने कितना फोरकास्ट किया है, देखिए यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 5.1%। मैंने अभी आपको बोला था S&P ने 5.2% किया था करके, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका ने S&P के साथ मिलकर बैंक ऑफ अमेरिका ने कितना फोरकास्ट किया वो है 5.1%, सेम एज फिच। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो कि मूडी ने कितना फोरकास्ट किया है अभी, चलो कमेंट के बॉक्स में बताइएगा। और बैंक ऑफ अमेरिका के जो सीईओ है वो ब्रायन मोहिनियान है, हेडक्वार्टर आपका यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ कैरोलिना। कौन से बैंक ने अनाउंस किया कि इट विल स्टार्ट इश्यूएंस ऑफ वीजा डेबिट कार्ड्स। देखो इससे पहले ना मैं आपको बता देता हूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक वीजा, व्हाट इज वीजा, वीजा एक मर्चेंट है राइट, एक मर्चेंट है। तो वीजा डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा अभी, पेटीएम ऑफर कर रहा है अभी राइट। सो पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो आपको नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया में है, और विजय शेखर शर्मा जी इसके प्रेसिडेंट हैं और सीईओ भी हैं, अजय शेखर शर्मा इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन रेलवेज ने प्लान किया है कि वो सभी ब्रॉड गॉज रूट्स को वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रीफाई कर देगा, है ना। क्यों करेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमको फोकस करना है। देखो दो प्रकार के गॉज होते हैं, एक तो होता है नैरो गॉज, एक होता है ब्रॉड गॉज राइट। ये जो दो रेल होते हैं इसके ऊपर जो डिस्टेंस होता है इससे लेके क्लासिफाई होता है राइट। इसका डिस्टेंस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। तो नैरो गॉज में क्या होता है कि जो स्टीम इंजन वगैरह होते हैं आपको पता होगा दोस्तों, इससे काफी एनर्जी वेस्ट होता है, लेकिन भारत सरकार ने इसको, माफी चाहता हूं, भारत रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने अपने सभी रेल पटरियों को ब्रॉड गॉज बना देगा। कब तक, 2023 तक। इंडियन रेलवे कब बना था ये बहुतों को नहीं पता रहता है, 8 मई 1845 में बना था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इंडिया में है, और ये जो चेयरमैन है विनोद कुमार यादव जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज कौन है, सुरेश अंगाड़ी, पीयूष गोयल तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं। तो आपको दो चीजें यहां पे ध्यान देना है, सुरेश अंगाड़ी है ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, एंड विनोद कुमार यादव इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक साइन किया है एक कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ, इसराइल के साथ, इसराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज के साथ। कितने लाइट मशीन गन्स को प्रोक्योर करने के लिए यानी खरीदने के लिए, कितने रुपए में, 880 करोड़ रुपए में। तो ये जो आंसर है 16,479 लाइट मशीन गन्स प्रोक्योर किए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है, राजनाथ सिंह है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस कौन है, श्रीपद यशो नायक है। और मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स अजय कुमार IAS डिफेंस सेक्रेटरी है। तो डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, अजय कुमार है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस कौन है, श्रीपद यशो नायक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत। शबा के लेवल अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।